इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है 7 अक्टूबर को। सीएम योगी ने यह बैठक बुलाई है, कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग करेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी, ये बैठक किस वजह से बुलाई गई है, क्या कुछ खास इस बैठक में हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर की स्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री एसपी के साथ मीटिंग करना चाहते थे, और जिस तरह से कई जिलों में घटनाएं हो रही हैं, बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो निर्देश देते हैं, तब उन्होंने रविवार 7 तारीख को तिलक हाल जो है विधानसभा का, वहां पर पूरे प्रदेश के एसपी और डीआईजी को बुलाया है और उनके साथ वो सीधा संवाद करेंगे। एक तरह से कहा जाए ये मुख्यमंत्री का आईपीएस अफसरों के साथ सम्मेलन है और पूरे दिन ये चलेगा। और इसमें जिस तरह से जिन जिलों में घटनाएं हुई है, लखनऊ देखिए उसमें से एक है जी। जहां पुलिस ने एक तरह से काली पट्टी बांध के विरोध जताया, घटनाएं तमाम हुई। इसी तरह से प्रदेश के अन्य जिलों में जैसे हमीरपुर में बवाल हुआ था, वहां एसपी डीएम दोनों बदलना पड़ा। तो इस तरह के जो जिले हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री लगातार सवाल करते रहते हैं डीजीपी से और प्रमुख सचिव से। तो अब ऐसी स्थितियों पर कैसे कंट्रोल किया जाए, दुर्गा पूजा भी सामने है, उसमें कैसे व्यवस्था बेहतर रखी जाए, इन सब चीजों पर बात होगी जी। वीरेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली बड़ी खबर पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और एक और बड़ी खबर हमारे पास लखनऊ से आ रही है। राज्य भंडारण निगम एमडी के कारनामे सामने आए हैं। एमडी आलोक सिंह के कारनामे